नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कमला जी हैं जो 60 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा के लिए। कमला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 60 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हैं। हाँ जी। कितना विश्वास करते हैं गुरु जी के ऊपर? सबसे ज्यादा इस पे ही कर दी, और किसी पे कर दी नहीं। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप? मेरे पास तो सब कुछ इसी ने कराया, बच्चों का भी, रिश्तेदारियाँ इन्हीं ने करी है, सारा कुछ इन्हें नहीं कराया गया सारा कुछ इस मालिक। आप जब आते थे तो बचपन था आपका आश्रम में डेरा सच्चा सौदा में। हाँ। अब आप बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हो। हाँ, जवानी। हाँ। बचपन सब आपने डेरा सच्चा सौदा में देखा है। हाँ, तो लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम में? लड़कियाँ बहुत अच्छे थे, इनकी परवाह करी गई, और डोलों के बीच लोगों ने घेरी भी थी लड़कियाँ, और हमने पालियाँ यहीं, सच्चे सौदे नहीं पालियाँ, हम तो चक्के लियाने हैं। लड़कियाँ जो डोलों के ऊपर घेरी भी थी, झाड़ियों में तो ठाई भी थी लड़कियाँ, और यहाँ पर सच्चे सौदे ने वो बचाई, और फिर उनकी पढ़ाई भी हो रही, उनका खाना पीना सब कुछ हो रहा अच्छे से। जो मतलब लोगों का जो मीडिया में दिखाया गया बहुत अलग तरीके से, और गलत कराया, और सब गलत कराया। गुरु जी का स्वभाव कैसा है? गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, गुरु वर्गा तो कोई है ही नहीं ना होगा, बहुत अच्छा गुरु है, इस वर्गा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चा था, सच्चा ही रहेगा, इसने सब गलत कर रखा गया है। सच क्या है फिर, जो मतलब गुरु जी का असली में उनके काम क्या हैं, क्या लोगों के लिए वो काम करते हैं? और लोगों का देखो सब कुछ कर रहे हैं, और लड़कियां के भी शादी करवा रहे हैं, गरीब बच्चों की 25-25 हज़ार लड़कियां नु दहेज के लिए दे रहे हैं ना लड़कियां की, सब की मतलब जिन गरीब बच्चे हैं जौन से उनकी शादियां करवाई जा रही हैं, उसने सब कुछ कर रही है। क्या आज गुरुजी की समाज को ज़रूरत है? हमको बहुत ज़रूरत है, हमारे वर्ग का तो कोई भी नहीं है, उससे भी नमन चैन नहीं आता। 4 सालों में प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर जब से वो नहीं है समाज में? जब के नहीं है, बहुत लड़के भी, लड़का जौन सा वो भी शराब पीने लग गया, और वो भी बस शराब में जिदन के गुरुजी गए हैं, बहुत गलत हो रहा है। क्या अपील करोगे सरकार से आप? क्या करूं मैं हूँ, सरकार नु और लोगों ने चाहिए भी गुरुजी नु हराई देनी चाहिए है, भी महाराज नु काटे जाए, भी ले आओ अपना, मेरे सच्चे सौदे में आना चाहिए बस जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वो दर्द है जो शायद मीडिया के द्वारा आप तक नहीं पहुंचाया जा रहा, सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें दिखाई गई, लेकिन जो ये असली एक लेडीज़ हमारे समाज का जो हिस्सा है आपके सामने दर्द पेश कर रही हैं कि किस तरीके से जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा समाज से गए हैं, समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से ये माएँ रो रो के अपकार कर रही हैं कि इनके बच्चे नशे में धंसते जा रहे हैं। आज समाज को एक ऐसे जिन्होंने नशा मुक्ति कैंसर डेरा सच्चा सौदा बनाया हुआ है, ऐसे संत की जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, उनकी समाज को जरूरत है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा ही हो गया, झूठे बहुत नशा हो गया, बहुत ज्यादा झूठे आरोपों में संत जी को फंसाया गया है, ये जनता कह रही है, लगातार चीख चीख कर आपके सामने बात रख रही है। आप भी अपनी राय का रखे आए सब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, देखते रहिएगा द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।